तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केबीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का लास्ट मैच और टूर्नामेंट का भाई 60वां मैच जो कि खेला जाएगा यहाँ पर कसरानी लॉयंस वर्सेस ताक केसी के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। और दोनों ही टीम्स यहाँ पर भाई काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में, बल्कि यहाँ पर ताक केसी की बात करें तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आएगी। बात करेंगे भाई दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर के बारे में, सारी अपडेट आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, बाकी सारा काम आपका भाई अपने आप संभाल लेगा, बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अब चलिए भाई यहां पर बात करते हैं मैच के बारे में। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि यहाँ पर देखिए दोनों ही टीम्स है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो दो स्ट्रॉन्ग टीम्स अगर भिड़ेंगी तो भाई मैच का रिजल्ट अच्छा रहेगा ही रहेगा। वही अगर बात करें अभी जो मैच खत्म हुआ है उसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वन साइडेड विनिंग किसे कहते हैं, लगातार आपका भाई आपको करवा के दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि स्मॉल लीग में यहाँ पर हमने काफी अच्छी विनिंग की, जीएल में हम यहाँ पर भाई थोड़ा सा पीछे रह गए, जीएल में हम यहाँ पर अच्छी रैंक नहीं ले पाए, लेकिन जीएल की अगर बात करें तो भाई कल हमने मिनी जीएल भी दो तीन मैच में विन की थी और एक मैच में भाई हमने जीएल भी विन की थी। यहां पर आपको मैं सारी चीजें दिखाने वाला हूं, ये आप देख सकते हो मिनी जीएल में भाई कल हमारी 6 रैंक आई थी। इसके अलावा यहां पर आप थोड़ा और ऊपर चलोगे तो यहां पर आपको दिखेगी कि जो स्मॉल मतलब जो प्राइवेट कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें मिनी जीएल में रैंक 1 हम लेके आए थे। उससे थोड़ा और ऊपर चलोगे तो यहां पर आप देखोगे कि मेन ग्रैंड लीग में भी कल हमारी रैंक 1 आई हुई थी, कयोल जायंट्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस केसी के मैच में। अब यहां पर लगातार आपका भाई आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवा रहे, तो इसी बात पर यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों ही टीम्स की, क्या कुछ यहां पर पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है तो वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं, उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है वो है कि भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम होती है ना दोस्तों, फाइनल टीम फाइनल अपडेट वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको हर मैच की 6 जीएल टीम और बाकी भाई स्मॉल लीग की फाइनल टीम टेलीग्राम पर आपको दी जाती है। पहले यहां पर भाई बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो ताक केसी की बात करें 9 मैच इन्होंने खेल लिए, 7 मैच जीते 1 मैच आ रहे हैं यहां पर भाई, 1 मैच इनका टाइम में गया था। वहीं अगर बात करें भाई स्कोर डिफरेंस की तो +149 का स्कोर डिफरेंस और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लगातार देते आ रहे, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इनकी टीम से, क्योंकि भाई नंबर 2 की पोजीशन पर है। कसरानी लॉयंस की बात करें तो ये भी नंबर 4 पर ही मौजूद है, इनकी अगर बात करें तो 8 मैच में से 6 मैच जीते, स्कोर डिफरेंस थोड़ा सा इनका कम है +56 का है, बाकी अगर वैसे देखोगे तो भाई 8 मैच में से 6 मैच जीतना भी काफी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो क्या है कि यहाँ पर भाई दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आपको एक बैलेंस टीम बना के चलनी है। वो कैसे बनेगी, वो कैसे आपको लाइनअप आउट होने के बाद पता लगेगा कि कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से नहीं, वो सारी चीजें भाई आपको पता लग जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग 7 की दोनों टीम्स की, और उसके बाद भाई आपको मैं टीम भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर 25 लाख रुपए की जीएल है। जैसे कल हमने यहां पर भाई जीएल विन की थी, हो सकता है आज भी जीएल विन हम कर जाए और उसमें नंबर आपका हो, तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप जीएल खेलते हो तो। वहीं अगर बात करें कसरानी लॉयंस की तो यहां पर आप देख सकते हो इनकी तरफ से एच सिमुयू एम ओमलो दो आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे। एच सिमुयू की बात करें लास्ट 2 मैच से खेले नहीं है, अगर खेलते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें एम ओमलो की तो एम ओमलो लगातार भाई लास्ट के दोनों मैचेस में कमाल करके आए हैं, और भाई यहां पर भी आप देख सकते हो वन साइडेड विनिंग इन्होंने करवाई थी, यहां पर आप देख सकते हो 5 इन्होंने टैकल लास्ट मैच में निकाले हुए हैं। अब अगर यहां पर भाई इनके अलावा सिमुई की बात करें तो ये अगर खेलते तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भाई आपको प्रॉपर ऑलराउंडर का काम करके देंगे, बहुत ही शानदार प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एम लुम्बा की बात करें तो ये भाई लास्ट मैच खेले नहीं, अगर खेलते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते, लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट लिस्ट में जरूर थे लेकिन खेले नहीं। अब अगर बात करें भाई यहां पर
जो ऑलराउंडर सेक्शन है इनकी, तो यहाँ से देखिए इनकी तरफ से आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा कोई बड़ा नाम नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर भाई अगर एक आधी जीएल में रोटेट करना चाहो ना तो इन्हें रोटेट कर लीजिएगा, बाकी स्मॉल लीग में आपको प्लेयर ट्राई करने हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो जेड ओडियम्बो को आप अपनी टीम में रख सकते हो, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच को छोड़ दीजिए, पहला मैच नहीं भाई, पहला मैच ये क्लोन मैच यहाँ पर दिखा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैच क्लोन मैच था, ये मतलब कोई मैच ही नहीं था, मैच इनका पहला था ये वाला, यहाँ से ये खेले गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो एक मैच में यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब थी, अदरवाइज भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आई हुई है, कम आई हो बट आई है। इसके अलावा हर मैच में कमाल किया है, रेडिंग डिफेंस हर जगह आपको कमाल करते दिखेंगे, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्लेयर, हर मैच में रेडिंग डिफेंस दोनों जगह पॉइंट देंगे जेड ओडियम्बो। ए नगुंजीरी की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में इनकी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को नजर नहीं आ रहा। सामने वाली टीम के सारे मेन प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आएंगे, जिसमें एसकिबू का सबसे बड़ा नाम है, बहुत ही शानदार प्लेयर, 100% आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, हालांकि लास्ट 3 मैच में से 2 मैच में फ्लॉप रहे, अदरवाइज बहुत ही शानदार प्लेयर है। आर मोबुरू की बात करें ये भी आपके लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर आपको थोड़ा नीचे लेके चले तो डी कियोगरा दिखेंगे, जो लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे, अदरवाइज भाई हर मैच में इंप्रूवमेंट इनकी नजर आ रही थी, लास्ट मैच में तो भाई इनकी बिल्कुल ही ये मान लीजिए कि धागे खुल गए थे। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर डी कियोगरा के अलावा एल मवांगी, तो इन्हें भी आप एक आधी जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में आपको यहाँ से इन दोनों में से, ये दोनों ऑलराउंडर सेक्शन में से ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर भाई इन दोनों तीनों में से कोई दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बात करें अगर यहाँ से आपके लिए डिफेंस सेक्शन की, तो डिफेंस सेक्शन की बात करेंगे तो आपको जे मुनायो दिखेंगे, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा ट्राई करना ही चाहिए या 100% करके आइएगा, बट ट्राई कर सकते हो, एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में 5-2 का रेशियो बना रहे हो तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ से आपको दिखेंगे डी कगुन की, जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है, लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप जरूर रहे थे, लेकिन उसके अलावा हर मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है। ई ओचेंग की बात करें तो ई ओचेंग भी लगातार अच्छा कर रहे हैं, आप इन्हें भी अपनी टीम में रख सकते हो, लगातार भाई आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखते दिख जाएंगे। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम की, उससे पहले अगेन आपको बता दो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, और ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है मोटिवेशन में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां से अगर बात करें जेड ओडियम्बो, डी कगुनगियो, इसके अलावा ई ओचेंग, ये 3 बाई प्लेयर में लेके चलूंगा रेडिंग सेक्शन से। इसके अलावा भाई पहले डिफेंस से प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से भाई अब हमारे लिए एम अमोलो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसके अलावा जे मुनायो को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए ट्राई नहीं करने वाला, मैं यहां से एच सिमुयो को अपनी टीम में रख रहा हूं। यहां से अगर बात करें तो आर मुबुरो, एस किबुगा, दोनों प्लेयर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, आप अगर चाहो तो डी कियोगरा को भी अपनी टीम में रख सकते हो। सीवीसी की बात करें, नो डाउट भाई कैप्टन से एस किबुगा, वीसी आर मुबुरो को देने वाला हूं, या फिर भाई यहां से डी कगुनगियो को मैं अपनी टीम में वीसी दे सकता हूं, बट जेड ओडियम्बो और यहाँ से भाई ऊपर अगर आप देखोगे तो एच सिमुयु ये तो ऐसे प्लेयर है जो आपके लिए स्मॉल लीग प्लस जीएल मिनी जीएल में एक बहुत बड़े डिफरेंशियल सीबीसी साबित हो सकते हैं। तो टीम प्रीव्यू की बात करें तो आपके सामने ऑलमोस्ट फाइनल है, कोई भी अगर चेंजमेंट की उम्मीद यहाँ पर दिखी तो वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, इस टीम को सेव कर लीजिएगा।